के लिए एक विशेष महत्व का दिन है। विशेष रूप से उच्च शिक्षा के क्षेत्र में आप सबने देखा है कि आज हम लोग तीन विशेष रूप से तैयार किए गए पोर्टल्स की शुरुआत कर रहे हैं, उसका लॉन्च कर रहे हैं। तीनों के बारे में आपको विस्तार से हमारे सचिव असंगवा जी ने बताया है और तीनों का महत्व हम समझते हैं कि आप सब लोग समझते हैं कि आज ये तीनों गतिविधियां जिनके संबंध में इन पोर्टलों का लॉन्च हुआ है, ये तीनों महत्वपूर्ण है और बहुत ही प्रासंगिक है। ये दिन रात का काम होता है और लगातार इससे जुड़े कार्यों का निष्पादन विभाग या निदेशालय के द्वारा किया जाता रहा है। और आप सबने महसूस किया होगा जब इसकी प्रस्तुति आपको बताई जा रही थी कि इन प्रक्रियाओं से जुड़े हुए तीनों जो तीनों पोर्टल आपके सामने आए हैं, एक कॉलेज एफिलिएशन से जुड़ा हुआ पोर्टल है, दूसरा परफॉर्मेंस ग्रांट जो दिया जाता है उससे जुड़ा पोर्टल है, और तीसरा जो रिक्रूटमेंट से जुड़ा हुआ पोर्टल है। तीनों पोर्टल महत्वपूर्ण है और ये एक तरह से विभाग या निदेशालय के दिनचर्या के कार्यों में शामिल है। रोज इनके संबंध में कुछ न कुछ काम विभाग में चलते रहता है। और आपने देखा है कि किस ढंग से पोर्टल को सुगम और सुविधापूर्ण बनाया गया है कि जिस प्रक्रिया को करने में या जिस प्रक्रिया को पूरा करने में कितना समय और कितनी परेशानी होती थी, आज वो सुगमता से कोई भी शिक्षण संस्था अपनी जगह से वो उस काम को कर सकते हैं। और यही जब जो आज के जमाने में जो हमारी सूचना प्रौद्योगिकी इतनी विकसित हुई है तो उसका लाभ उठाना ये हर दृष्टिकोण से उचित ही नहीं, अब तो एक तरह से अपरिहार्य बनने जा रहा है। क्योंकि अगर हम नहीं उठाते तो सिर्फ और सिर्फ परेशानी आती है और लोग हर तरीके से परेशान होते हैं, कई तरह की शिकायतों को पैदा करता है। और सबसे बड़ी बात जो इस तरह के पोर्टल के लॉन्च होने से होता है वो होता है जो आपको हमारे अपर मुख्य सचिव और सचिव महोदय ने बताया कि इससे पहली चीज ट्रांसपेरेंसी आती है, पारदर्शिता आती है, और दूसरी चीज अकाउंटेबिलिटी आती है, जिम्मेदारी जो उत्तरदायित्व का निर्धारण होना आसान हो जाता है। अब समझिए कि जैसे एफिलिएशन की बात थी तो एफिलिएशन के लिए अब कितने कागजात चाहिए, जमीन संबंधी दस्तावेज चाहिए, कितने कमरे हैं, क्या क्या कितने डेस्क बेंच से लेके कितने शिक्षक हैं, किस विषय में मान्यता है नहीं है, कई तरह की चीजें होती और उन सबसे जुड़े कागजातों या दस्तावेजों का अगर फोटो कॉपी या मूल प्रति ही देनी पड़ी तो समझ सकते हैं कितना मोटा लंबा चौड़ा ये हो जाता है। और देखने ही में अगर इतने मोटे दस्तावेज आपको जांच के लिए दे दिए जाए तो समझिए कि देखने और जांच करने वाले के लिए भी भारी परेशानी का सबब होता है, कारण होता है। और कभी कभी तो इतनी उलझी हुई बातें होती है या बातें इतनी उलझ जाती है कि उनको सही ढंग से अलग अलग करके सब
या मन पर कोई कार्रवाई करना भी बड़ा दुरूह काम हो जाता है। इसलिए इस पोर्टल को लॉन्च किया गया है कि अब जो भी शिक्षण संस्थान है, महाविद्यालय जिनको निबंधन कराना है, वो अपनी ही जगह से सारी सूचनाएं वो इस पोर्टल पर आके जो असंगवा जी ने बताया है उसके विभिन्न प्रक्रियाओं से गुजर के वो अपलोड कर सकते हैं और वो अपने संस्थान में बैठ के उन्होंने उसको अपलोड कर दिया। मतलब समझ लीजिए कि उन्होंने संबंधन के लिए अपनी दरखास्त या अर्जी यूनिवर्सिटी और सरकार के यहाँ लगा दी, जिसके लिए उनको यूनिवर्सिटी जाना पड़ता, सरकार में आना पड़ता, अलग अलग जगह पर विश्वविद्यालय के मुख्यालय जा रहे हैं, फिर सरकार में यहाँ सचिवालय आ रहे हैं। उन सारी प्रक्रियाओं को का निचोड़ निकालते हुए सीधे वेबसाइट जो पोर्टल है उस पर जाके वो उसको डाल देते हैं और संयोग से हमारे सभी कुलपतिगण भी जुड़े हुए हैं और कुल सचिव यहाँ मौजूद हैं। कॉलेज के डालते ही विश्वविद्यालयों को उन चीजों का स्वतः संज्ञान लेना है। ये विश्वविद्यालयों को नोट करने की बात है कि ये नहीं है कि अगर महाविद्यालय ने पोर्टल पे अपनी सूचना या अपनी सारी जो रिक्वायर्ड इंफॉर्मेशन वो डाल दी है तो फिर उस संस्थान का कोई आदमी फिर विश्वविद्यालय या सरकार के यहाँ संपर्क करे उस भरोसे न विश्वविद्यालय को बैठना है न सरकार को जिन चीजों को देखनी है उसके लिए इंतजार करना है। अगर कॉलेज ने डाल दिया इंफॉर्मेशन तो विश्वविद्यालय स्वतः संज्ञान लेगा और उन चीजों की स्क्रीनिंग स्क्रूटनी या जो भी कहिए संबंधित चीजों की जांच करके वो तिथियां भी बता दी गई है। 15 अक्टूबर तक कॉलेज को डालना है, फिर यूनिवर्सिटी के को सारी चीजों को देख के और दस्तावेज जांचने के भी कई तरीके होते हैं, कई मिजाज होते हैं। और याद होंगे इन्हीं शुभकामनाओं के साथ हम खास तौर से अपने सभी वरीय पदाधिकारियों का जो हमारे अपर मुख्य सचिव के नेतृत्व में जो उच्च शिक्षा निदेशालय है और